भैया छोड़ दीजिए भैया, भैया छोड़ दीजिए भैया, भैया 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 छोड़ दीजिए भैया, 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 भैया छोड़। की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे अड्डे पर हमला करवा रहा है। कल को वो आप पर और मुझ पर हमला करवाएगा तब भी कैसे हाथ में हाथ रखे बैठे रहोगे? घंटे पहले तो शांत हो। मैं बता रहा हूँ भैया, मैं करीम को ऐसी मौत दूंगा कि उसके आने वाली सात रूह कांप उठेगी। तुझे क्या लगता है कोई मेरे ही अड्डे पे आके मेरे ही आदमियों को मारेगा और मैं शांत रहूंगा? करीम के कुत्तों को मार दे। राठौर से मीटिंग है। कौन राठौर? अरे वो आपने बोला था ना कि दारू के डीलर से मीटिंग करवाना है, तो वही राठौर, आज उससे ही मीटिंग है। अच्छा तो गाड़ी निकाल, मैं आ रहा। नमस्ते रॉके भाई। देखो राठौर, हमारा दबदबा इस शहर में,
हमारे साथ काम करोगे तो पैसा और इज्जत दोनों मिलेगा, समझ रहे हो? असल में बात ऐसी है ना रॉकी भाई, आज तक मैंने जितनी भी डीलें की हैं सब छोटी मोटी डीलें हैं, लेकिन आपके साथ काम करने का थोड़ा रिस्क है। रिस्क हम देख लेंगे। ठीक है रॉकी भाई, फिर पहुंच जाएगा माल आपको अगले हफ्ते। प्रोटेक्शन अच्छी बात होती है राठौर। भाईजान, राठौड़ भी हाथ से गया। क्या? हाँ भाईजान, कल रॉकी बंटी आए थे राठौड़ से मिलने और दोनों बहुत हंसते हुए निकले। राम भाई, ये साले हजार टांग अड़ा देते हैं, जिसका मैं हाथ डालूं वो काम ये लेके चल जाते हैं। क्या करूं मैं इन भोसड़ी वालों का? भाई रॉकी को मारना इतना आसान नहीं है भाई। तुमको मैं चूड़ियां पहन लूं? अगर रॉकी को मारना है तो समीर और बंटी को मरवा दो, वो निहत्ता हो जाएगा, अपाहिज फिर उसको कभी भी मार सकते हैं। बात तो तेरी भी सही है। हाँ भाईजान, समीर और बंटी अभी अभी निकले। खबर पक्की है ना साले? ठीक है, आज दोनों मुर्गे निकलेंगे, दोनों में से कोई नहीं बचना चाहिए। अगर कोई एक भी बचा तो हम नहीं बचेंगे।
मार के उसने गलती कर दी। बंटी गाड़ी निकाल। भाईशांत भाईशांत, पहले से मिल के अंतिम संस्कार कर देते, उसका मारते हैं करीम को। नहीं, इसकी अस्थि दहन से पहले करीम का जनाजा उठेगा। बंटे हमारे जितने भी लोग हैं सबको बुलवा लो।
आपने समीर को मारा तो रोकी यहाँ तक आ गया, अब आपने बंटी को भी मारा, अब क्या होगा? रॉकी भाई, बंटी भैया बच गए।